तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NFL मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्वायरमेंट 2024 के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, NFL में आप देख सकते हैं MT के पोस्ट पर बड़ी भर्ती निकाला गया है, जिसका आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे, जो आपके लिए आवेदन फॉर्म भरने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि NFL की तरफ से वैकेंसी ऑप्टिमाइज किया गया दोस्तों। MT यानी कि मैनेजमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिंग के पोस्ट पर भर्ती निकाला गया है। इसका आवेदन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा। ऑल ओवर इंडिया के लिए जॉब लोकेशन रहने वाला दोस्तों, परमानेंट जॉब होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं 22 यहाँ पे अक्टूबर 2024 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, और 22 अक्टूबर 2024 से आवेदन शुरू हो चुका है और 21 नवंबर 2024 तक चलने वाला है। 23 से 24 नवंबर के बीच फॉर्म का करेक्शन कर पाएंगे कुछ गलत हो जाता है तो। अप्लीकेशन फी के बारे में बात की जाए तो जनरल OBC EWS के लिए 700 रुपया, वहीं SC ST ESM बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं, PH कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन करना होगा। एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो आपका एज मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष होनी चाहिए। 30/9/2024 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। नियम अनुसार एज में छूट भी मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो इसमें रूटीन एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया गया, जो MT की पोस्ट के लिए कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगने वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के अनुसार आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया गया, जो जनरल के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट, EWS के लिए 1, OBC के लिए 3, ST के लिए 2 और ST के लिए 1, टोटल 13 पोस्टों पर भर्ती निकाला गया है। अप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में भी जानकारी दिया गया दोस्तों, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बन रही। आवेदन फॉर्म भरने से पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि NFL का ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए NFL का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा दोस्तों। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं हम रिक्वायरमेंट वाला पेज खोल कर रखे हुए दोस्तों। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी का डिटेल आपको शो किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट, एंड डेट बताया जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग पोजीशन वाले में अप्लाई ऑनलाइन वाले, अप्लाई नो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने अगले पेज खुल जाएगा दोस्तों, जहाँ कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन का पेज खुल चुका है। तो सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे फुल नेम डालना होगा, सिंपली जो भी आपका नेम है डालिए। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे कैलेंडर से सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद डे सेलेक्ट करना होगा। हम डेमो के लिए फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम आपको दिखाने के लिए भर रहे हैं। आप अपने एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कीजिएगा, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कैप्चर फिल करना है और जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ईमेल वाला OTP ईमेल में, मोबाइल वाला OTP मोबाइल में फिल कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक पासपोर्ट बनाना होगा दोस्तों, जिसमें यहाँ पर की लोअर के स्पेशल कैरेक्टर कोई फंक्शनल की होनी चाहिए, 8 कैरेक्टर से अधिक का पासपोर्ट होनी चाहिए दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइडलाइन के अनुसार पासपोर्ट बना सकते हैं, जो जो गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया उसे फिल कीजिएगा तो ग्रीन होता चला जाएगा, सभी ग्रीन हो जाएगा तभी पासपोर्ट एक्सेप्ट किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको पासपोर्ट यहाँ बनाना होगा, इसमें स्पेशल कैरेक्टर देना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों को यहाँ पे नंबर वगैरह भी देना होगा, तो सिंपली आप यहाँ पे दे सकते हैं जो जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है तो आप अपने अनुसार यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे सभी पासपोर्ट यहाँ पे बनाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन वाले पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। अभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है आपको ईमेल या पासपोर्ट की मदद से, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ईमेल या SMS की मदद से उसे डालिए, पासपोर्ट जो बनाया डालिए, कैप्चर फिर कीजिए और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट का डिटेल यहाँ पे शो की जाएगा। तो सिंपली MT के पोस्ट पर वैकेंसी निकाले गए, आपके सामने पोस्ट दिखाई देगा दोस्तों, तो सिंपली आपको सेलेक्ट करना होगा। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। तो सिंपली हम डेमो के लिए फॉर्म भरे, आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहेंगे वही पोस्ट को सिलेक्ट कीजिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद सभी टर्म एंड कंडीशन दिखाया जाएगा दोस्तों पोस्ट से रिलेटेड,
तो यहाँ पे पढ़ते हुए सभी गाइडलाइन को पढ़ते हुए आपको नीचे आना होगा। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का गाइडलाइन वगैरह दिया गया है, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सभी गाइडलाइन दिया गया है, तो आपको नीचे आना होगा दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं इस बॉक्स पर टिक करना होगा, और बॉक्स पर टिक करने के बाद सेवन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने फादर्स नेम यहाँ पे डालना होगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे फुल फादर्स नेम यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर बताना होगा, मेल है फीमेल है, कैटेगरी बताइए किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी तो यस यहाँ पे देख सकते हैं। डोमिसाइल आपको बताना होगा दोस्तों, एक सर्विस मैन है तो यस, नहीं तो सिंपली नो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एयरफोर्स में है तो यस, नहीं तो सिंपली नो। ये सब डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं तो सिंपली नो। तो आप अपने अनुसार यस या नो करते जाइए दोस्तों। ये सब आपके ऊपर लागू होते तो यस करें, और नहीं लागू होते तो सिंपली नो पर ही रहने दीजिए। तो आप अपने अनुसार ये सब को टिक कर सकते हैं। नए फिल्म एम्प्लॉय थे तो यस, नहीं तो सिंपली नो यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं, यस कीजिएगा तो उससे रिलेटेड जानकारी मांगा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके ऊपर लागू होते तो यस करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो सिंपली सेवन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद मदर्स नेम डालना होगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे मदर्स नेम फिल कीजिए। मैरिड स्टेटस आपको बताना होगा, आप मैरिड है या मैरिड है अपने अनुसार बताइए। यहाँ पे नेशनलिटी आपको बताना होगा, सिंपली यहाँ पे आइडेंटिटी में आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास है, उसको जो सेलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर डालिए। उसके बाद रिलीजन बताना होगा, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कोरस्पोंडेंट एड्रेस का जानकारी देना होगा, तो लाइन वन लाइन टू और लाइन थ्री को मिलाकर फुल एड्रेस का आपको जानकारी देना होगा दोस्तों, कोरस्पोंडेंट एड्रेस का जानकारी देना होगा। तो आप यहाँ पे एड्रेस का जानकारी फिल कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली पिन कोड लिखना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा, सिटी नाम लिखना होगा, स्टेट सेलेक्ट करना होगा। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं नज़दीकी रेलवे स्टेशन का आपको नाम लिखना होगा। अगर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स पर टिक कर दीजिए, नीचे ऑटोमेटिक सेम फिल हो जाएगा। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो डाल सकते, नहीं तो खाली छोड़िए। एग्जाम सिटी का प्रीफरेंस देना होगा दोस्तों, तो दो सिटी का आपको यहाँ पे प्रीफरेंस देना होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं सिटी का प्रीफरेंस देने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा, आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो आप जो भी यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं दोस्तों कि कौन सा पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा, तो आपको सिंपली उसी के अनुसार फिल करना होगा। यहाँ पे देख कर नहीं फिल करें दोस्तों, इस पर जिस प्रकार से फिल किया जा रहा है उसी प्रकार से फिल करें, पर आपको जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है उसी को फिल कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं पासिंग ईयर डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे बताना होगा, परसेंटेज यहाँ पे, तो आप उसी प्रकार से फिल करें। कोई अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप टाइप कर सकते हैं दोस्तों, 10th और 12th का यहाँ पे देख सकते हैं। सब्जेक्ट बताना होगा कौन कौन सी सब्जेक्ट था, तो ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों। मैट्रिक में सब्जेक्ट सभी का सेम ही होता है, अलग है तो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किस बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से पास की है, तो यहाँ पे बताना होगा। तो सिंपली आप यहाँ पे इंटरमीडिएट में मैथ फिजिक्स यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट था आपको यहाँ पे लिखना होगा। आप यहाँ पे कॉमा को हटा दीजिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इनवैलिड बोला जा रहा है, तो सिंपली आपको कॉमा नहीं लगाना होगा दोस्तों, स्पेस दे देना होगा केवल। उसके बाद किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से पास किए हैं यहाँ पे ये बताना होगा दोस्तों। उसके बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, तो सिंपली आप बताइए जिस भी इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, फुल टाइम पास टाइम फोर्स का टाइप बताना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं डे ऑफ फोर्स, यहाँ पे परसेंटेज बताना होगा दोस्तों, कितना परसेंटेज मार्क था, और डेट ऑफ पासिंग यानी कि पास कब किए हैं, पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना होगा, तो आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जानकारी फिल कर सकते हैं, और भी फिल करना चाहते हैं नीचे फिल कीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद एक्सपीरियंस का जानकारी मांगा गया, तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो उसे खाली छोड़कर नीचे आइए, और पे सभी जानकारी सौंपी जाएगा। एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में डालना चाहते हैं डालें, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। और ये सब देख सकते हैं आप, यहाँ पे फिल्म में आपका रिलेटिव कोई काम कर दिया तो यस करें, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यू आर रिलेटिव वर्किंग एन एफ एल तो यस, नहीं सिंपली नो। उसके बाद आपके ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं केस वगैरह फायर वगैरह नहीं हुआ था, यहाँ क्वेश्चन उल्टा करके पूछा गया दोस्तों, तो आपको सिंपली यस करना होगा इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं नो कीजिएगा तो रीजन मांगा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन को उलट कर पूछा गया है, तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे अपने अनुसार ही यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे यस करिए, नो कीजिएगा तो यहाँ पे रीजन मांगा जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन को उलट कर गया, तो सिंपली यहाँ पे उसके बाद सेवन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो फोटो सिग्नेचर का साइज बताया गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 20 के 20 लेकर 150 के बीच में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में, और बाकी डॉक्यूमेंट को PDF में अपलोड करना होगा। तो जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी है उससे रिलेटेड दस्तावेज यहाँ पे जो मांगा जाएगा उसी को अपलोड करना होगा दोस्तों, तो सिंपली आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। साइज बताया गया 100 KB से 2 MB के बीच में होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में, सभी दस्तावेज फोटो और सिग्नेचर को छोड़कर दोस्तों, तो सिंपली यहाँ पे एक कर कर आप सभी को अपलोड भी कर सकते हैं दोस्तों, सिंपली यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा दोस्तों, शुरू से अंत तक जो भी जानकारी भरें चेक कीजिए, और यहाँ पे देख सकते हैं प्लेस मेंशन करना होगा, कुछ भी जानकारी गलत लगता है तो सिंपली एडिट कर सकते हैं, लगता है सभी जानकारी सही तो आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा दोस्तों।
सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के फॉर्म की जानकारी के साथ।